अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल मिली दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, डकी भाई तो सबकी रोस्टिंग करते हैं। शुरू वाली वीडियो में डकी भाई ने सबकी धज्जियां उड़ाई थी, जो इनको रोस्ट करता था उसको पकड़ के रोस्ट करते थे। तो आज डकी भाई के लिए चैलेंज है कि भाई ये जो रोस्ट कर रहा है शाहजेब सियालकोटी, हमारा और आपका फेमस टिकटॉकर और बहुत ज्यादा चहेता, जी हाँ दोस्तों ये सोशल मीडिया पे जो चगले मारते हैं उनको एक्सपोज करता है। तो क्या डकी भाई इनको रोस्ट करेंगे? तो डकी भाई को तो इन्होंने बहुत अच्छे से रोस्ट किया और इसके साथ साथ सिस्ट्रोलॉजी को भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो भाई आए इनकी वीडियोस आपको दिखाता हूँ, क्या मजे की रोस्टिंग किया, चसना है पैसे वापस यार। पहले भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली वीडियो है जो कि डकी भाई की है, अल्टरनेट करके देखेंगे, पहले डकी भाई उसके बाद फिर सिस्ट्रोलॉजी, डकी भाई देन सिस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले हम डकी भाई की वीडियो देखते हैं, भाई क्या इन्होंने खच मारी है डकी भाई ने और उसको क्या रोस्ट किया। हां झूठ भैया यार, कुर्सी एक दिन के लिए रखे तो फिर कल परसों जाके नहीं आएंगे। हां तुम झूठ बोल रहे हो। जी मेरा फोन आ रहा है। हां जी मैं चीमा जी व्लॉगिंग शुरू करना चाह रहे हो? चीमा जी कोई मसला नहीं, जेरी पर्सनल गल्ला ने व्लॉग कर दिया करो। अजय बुढ़िया नहीं ना नाती बेगम, आप आज नहाई नहीं है? बेगम नहा लो जल्दी से, मैं अभी कैमरा लेके आता हूँ, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। हाँ जी चीमा साहब बड़ा इजी सीन है जी व्लॉगिंग का, कोई मसला बेगम के मुंह के अंदर कैमरा घुसे देना हर बात पे बेगम, मतलब कोई भी मसला, मतलब जिदा कि तुम्हारे पुराने बात मारी भाई जान बात सुने, बेगम को कह दिए बेगम मुझे मेरा भाई बुला रहा था, कैमरा काटता मैं भाई की बात सुन के। हाँ जी नहीं गली में बच्चे खेलते हो तुम बेगम बहा देनी, कुत्ते लड़ते हो तुम बेगम बहा देनी, तुहाड़े महल के कोई मोटरसाइकिल लंघ दिया तुम बुलाओ बेगम बहा देनी। कामयाबी आई होना, कामयाबी आई होती तुम्हें पता ही नहीं है। और दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बेगम बखाओ व्यूज लो, गुड। ए भाई साहब पहली रोस्टिंग की है डकी भाई की, बेगम बखाओ व्यूज लो, शदेव सियालकोटिया कमाल लेवल की रोस्टिंग है भाई, लेवल की लेवल की। अब आ रही है एस्ट्रोलॉजी की। सर ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा है। देखो तो बाद में मेरे अक्सर रिश्तेदार मैंनू कहंदे ने कि तू साडे बच्चे खराब कर रहे, असल बच्चे ते इन्हें खराब कीते। हेलो हाँ जी भाजी, भाजी बच्चों दीन की तलीम ना दो। हाँ जी उन्होंने दसो कैमरे के एंगल कहीं सैट होंगे ने, एंगलों ने तो काम आना। हाँ नहीं जिड़ी मर्जी जहां वाली गल कर दो, तुहाडा काम है सोशल मीडिया उत्ते आके चवल मार के कॉन्फिडेंस अपना आप रखना, तरक्की होती है। कोशिश करो बाजियां जो डांस डूस कर दिया ना कुछ सोशल मीडिया से हर वो चवल मार लो, जी परसनल गल आज मेरी भैन ने ये कर दिया, मेरी भैन ने वो कर दिया, तेरी भैन ने तो दुनिया को किनारा कर देगी ना उस दिन आगे मैंने। हाँ जी नहीं मैं थोड़े दिन पहला मैं वेख्या कह रही थी ब्लॉगिंग छड़ रहे हैं, मैं हिसाब ला लिया मैं जी कुत्ते की पुछल स्थिति हो सकती है, अगू तुम आप समझदार दे। हाँ जी ना बे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो दोस्तों की कितने हाँ मैं आप महल कहते जी लोगों के बच्चे मैं खराब किए, भाई मैं कितने खराब ये ना किते। भाई ये थी इकरा कमल जिसको इसने रोस्ट किया और अच्छे वाला रोस्ट किया भाई, कोई ऐसा वैसा नहीं। चवल की हमारी इकरा कमल ने देख रहे आप कि भाई गाने सुनने से ना, गाने सुनने से ऐसा मुझे लगता है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कनेक्शन हो रहा। भाई कौन सा गाना सुनने से ऐसा होता है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी इसे आल कोटी ने सही इसको पकड़ा यार, ये लेवल का बंदा है यार। अब बारी है भाई फिर डकी भाई की, और वीडियो आपकी स्क्रीन पे। ये हो गया गाते हूं यार, ये हो गया। इकरा की शादी थी, तबीयत खराब हो गई है, मुझे बड़ा अफसोस है जनाब, पूरी कौम को इस बात का बड़ा अफसोस है कि शादी के दौरान तबीयत खराब हो जाना, ये जी अल्लाह का अज़ाब ही होता है जी। बस दुआ गो है, मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ यार, तुहाडी मेहरबानी यार, दुआ करो यार, शादी के दौरान तबीयत मतलब अज तक नहीं किसी की हुई, सारिया मुसीबत इन्होंने वास्ते क्यों ने यार, मतलब यार मेरे कसम से मतलब दिल दुखता है यार जब मैं इस तरह की वीडियो देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम अभी जाओ फ्लैक्स वाले के पास, 2.5 लाख फ्लैक्स बनवाओ, हम शादी के दौरान तबीयत खराब होने के वाकये की पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम बाहर लगाएंगे जी, मुझे बल्कि पूरी कौम मैं देख रहा हूँ कि बाहर लोग ईंटे मार रहे हैं खुद को जनाब के, मतलब इतना बड़ा हादसा हमारे पाकिस्तान में पेश आया और मुझे अफसोस है कि यार ये थी डकी भाई की। फिर से भाई इकरा कमल की शादी के ऊपर ना डकी भाई की तबीयत खराब हुई, उसके ऊपर व्लॉग बनाया उन्होंने, तो ये भाई साहब ने पकड़ के रोस्ट कर दिया यार, ये कमाल बंदा है यार। अभी ये दोस्तों ये आखिरी वीडियो है हमारी इस रिएक्शन की, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की मजे मजे की रोस्टिंग की वीडियो भी आपको दिखाता रहूंगा। ये सिस्ट्रोलॉजी की वीडियो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और राबिया के साथ प्रैंक हो गया पता ही नहीं चलिया। हेलो ओए अचीमिया आज का टाइटल ये है कि थोड़ा जो राबिया के साथ प्रैंक हो गया, होती बच्चा सही है, इसको ये देखिए कैसे जन्मन आज क्यों पता राबिया के साथ प्रैंक हो गए यार, शिट यार यकीन कर मैंने इतनी खुशी, मतलब कैसे मुमकिन है राबिया के साथ ही प्रैंक हो, वाह यार यकीन करो धन्यवाद, ये राबिया का प्रैंक हो गया पाजी एडे मजे दी, मतलब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, वाह वाह
मतलब मैनू लगता है माँ प्यो ना प्रैंक हो गया जिन्होंने घर है पैदा हो गया ना, लेकिन राबिया के नाम प्रैंक हो गया। वाह यार उस्ताद एक वड्डी जी फ्लैक्स ला, हम राबिया के साथ प्रैंक होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मजम्मत करते हैं हम इस वाकई की। नहीं जी गलत कर ले जी, राबिया ना प्रैंक नहीं होना चाहिए था, बड़ी गलत कर ले दोस्तों, राबिया के साथ प्रैंक हो गया, दुआ करें अल्लाह ताला उसकी जान बचा ले, क्योंकि प्रैंक में आपको पता बहुत सिलसिलाकार होते हैं, बस उसकी सेहत के लिए दुआ करें, आप लोगों की दुआओं की आप भी दुआ करना। यार ये चार वीडियो मैंने निकाली थी ठीक है, जिसके ऊपर डकी भाई और एस्ट्रोलॉजी की रोस्ट किया होता, जैसे जैसे मजीद ये कॉन्टेंट बनाएगा वैसे वैसे आपको मैं इनके बारे में इन्फॉर्म करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और भाई जरूर बताना कि रोस्टिंग कैसी थी, और भाई अगर मेरी तरफ से मेरा काम तो था दिखाना भाई, आप उसे पकड़े और डकी भाई उसे पकड़े भाई, मेरा इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, अपना और अपने प्यारों का ढेरों से ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।